नमस्कार एवरीवन, ये मेरा पहला क्लास है एसडीएस बायोलॉजी का। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल, जो लाइफ साइंस का एकदम बेसिक है और इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इस चैप्टर अगर अच्छी तरह समझ में आ गया तो हर एक चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ये हर एक चैप्टर से लिंक्ड है। ओके, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। तो सेल जो चैप्टर है वो क्लास 9 और क्लास 11th का चैप्टर है। तो दोनों के लिए ही बेसिक से लेकर एकदम नीट लेवल तक पढ़ाऊँगा। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बोलिए शेयर करने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए, तो इससे मुझे अगले वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल। सेल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चरल मींस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो एक ही सेल अपना पूरा बॉडी डेवलप्ड होता है एक ही सेल से, और एक ही सेल हर एक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए बोलते हैं यूनिसेलुलर के थ्रू से कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल छोड़ के बाकी जो मोर देन वन सेल से अपना बॉडी बनाया गया है, हायर ऑर्गेनिज्म बोलिए और या फिर एल्गी बोलिए, जो भी बोलिए, ब्रायोफाइट बोलिए, टेरिडोफाइट बोलिए, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म्स है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है। और वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल सेल से, टिश्यू टिश्यू से, ऑर्गन ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम बॉडी सिस्टम, वो हर एक बॉडी का पार्ट्स जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। अलग अलग टिश्यू से अलग अलग बॉडी पार्ट्स और अलग अलग बॉडी पार्ट्स से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली सेल ही है जो हर एक स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी डिस्कवरी, सेल जो है वो फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665। ओके, लेकिन उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक्चुअली डेड सेल था, कॉर्क टिश्यू था, जो कॉर्क बार्क होते हैं उस टिश्यू से अपना फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था और उन्होंने उसका नाम दिया था सेल। ओके, बाद में लीवेनहुक ने लिविंग सेल का डिस्क्रिप्शन दिया था। ओके, इसके बाद और एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था फ्रॉम प्लांट सेल। ओके, इसके बाद पुरकन जी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया जो प्लांट सेल में होते हैं, एक्सेस सेल वॉल, प्रो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज टुगेदरली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये गया सेल का बेसिक डिस्कवरी। और भी डिस्कवरी है जो नेसरी है वो बुक्स में है, पढ़ लीजिए, ये एकदम इम्पोर्टेंट जो बेसिक जो है वो। इसके बाद सेल थ्योरी जो है वो पहले दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, वो है स्लेडन एंड स्वान। ओके, तो स्लेडन ने जो बोला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, हर एक ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से बनाया गया है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो जो हम डेफिनेशन पढ़े थे वही है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है बॉडी का और फंक्शन जो फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, वही है सेल। ओके, इसके बाद उन्होंने और उन दोनों ने और भी बोला था कि एनर्जी फ्लो ऑकर विद इन द सेल। सेल एनर्जी जो है वो सेल टू सेल फ्लो होता है। ठीक है, इसके बाद और एक बोला कि सेल कंटेन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है वो डीएनए कैरी करता है, वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो उन्होंने ये बोल दिया था कि सेल जो है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, एक्चुअली न्यूक्लियस करता है। और एक लास्ट जो बोला था वो ऑल सेल्स हैव बेसिकली सिमिलर केमिकल कंपोजिशन। हर एक सेल जो है वो केमिकल कंपोजिशन जो है उनका जो सिमिलर है। ओके, बाद में और एक साइंटिस्ट आया विर्चाओ। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला था कि ऑल द एग्जिस्टिंग सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब अभी जो सेल्स हैं या फिर ऑर्गेनिज्म जो डेवलप्ड है वो उसका जो सेल है वो प्रिमिटिव एक सेल से डेवलप्ड हुआ है। ओके, जो पुराना एक सेल है। तो इनका सेल थ्योरी और स्लेडन एंड स्वान का सेल थ्योरी एक साथ अगर ऐड कर दे तो बनता है मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके, तो ये गया मॉडर्न सेल थ्योरी। अभी सेल का शेप एंड साइज, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा जो है वो 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर साइज का है।
और PPLO प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है उसका साइज़ है 0.3, और ये दोनों जो है वो विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, ओके, और स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल है बैक्टीरियल सेल जो 0.3 टू 5.0 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ओके। अभी लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच एग है जो सबसे बड़ा है जो नेकेड आई से दिख सकता है, ओके। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल और न्यूरॉन, पता है हमें न्यूरॉन जो मतलब ब्रेन में होते हैं, ठीक है, जो नर्वस सिग्नल कैरी करता है, ओके। और लार्जेस्ट सेल इन केस ऑफ प्लांट, ऑस्ट्रिच एग जो था वो एनिमल सेल में था लार्जेस्ट सेल, और प्लांट सेल में लार्जेस्ट जो सेल है वो है ओव्यूल ऑफ साइकस प्लांट, वो ओव्यूल नेकेड ओव्यूल होते हैं, ठीक है, वो हम नेकेड आई से दिख सकते हैं, जो पाइना मतलब जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें से एक है साइकस प्लांट, उसमें जो ओव्यूल है वो नेकेड है। अभी सेल का जो शेप है, डिफरेंट टाइप का शेप यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि WBC का शेप, स्मूथ मसल फाइबर, लेंसुलेट शेप, ग्वानोसाइट्स, पोरीफेरा और स्पॉन्ज ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर जो रेक्टेंगुलर शेप का है, फ्लैम सेल और सोलेनोसाइट्स जो प्लाटियल मिंटिस ऑर्गेनिज्म है उन ग्रुप का ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और न्यूरॉन हमने पढ़ लिया कि लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, गॉलबेट सेल का शेप, क्यूबॉइडल सेल्स, ओके, एपिडर्मल सेल जो आउटर कवरिंग होते हैं, RBC का शेप, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, तो वो हमें पता है, RBC जो फ्रॉग में होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। गर्ड सेल जो स्टोमाटा के अंदर होता है, गर्ड सेल दो तरह के होते हैं, एक है डाइकोटाइलेडोनस प्लांट्स का, एक है मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट का। डाइकोटाइलेडोनस मीन टू सीड हल्ब्स जो होते हैं वो, उनका स्टोमाटा का जो गर्ड सेल है वो बीन शेप्ड होते हैं, और मोनोकोट का जो है वो डम्बल शेप होते हैं ऐसे, ठीक है। और बेसिलस जो बैक्टीरियाज होते हैं उसका शेप है विब्रियो, विब्रियो जो कॉमा लाइक होते हैं वो विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा डिजीज करता है जो, वो एक स्पेशल टाइप का मतलब शेप का है। और स्पाइरुलम जो स्पाइरल शेप है, ठीक है, ये सब। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन हो, कोई समझ में नहीं आया तो बोलिए, डिटेल में बोलूँगा, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता उसके बारे में अगर कोई वीडियो चाहिए तो भी बोलिए। थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू, ताकि आपको हर एक वीडियो अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।